अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। बंटवारा बेटियों का, सारा मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारे खालू तुम्हें कोई भी बात कहें, कुछ भी कहें, तुम्हें उनकी कोई बात नहीं माननी। उनके झांसे में बिल्कुल भी मत आना। वाह वाह, क्या समझदार औरत है भाई। यानी इसको ये पता है कि चीनी कितनी डालनी है, पूछना जरूरी है, नमक कितना डालना है, चलाना कितना। भाई वाह 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 वाह। कैसे सालिम लोग हैं, फोन मिलने पर भी नहीं उठा रहे। पता तो चले उन्होंने हादिया के साथ किया क्या है और वो किस मुश्किल में है। हेलो समिया, अभी तबीयत मेरी ठीक नहीं है, बिस्तर पर ही हूँ। इन लोगों के झगड़ों ने तो मेरी हिम्मत ही तोड़ दी है। समीना हौसला रखो, ये मुश्किल वक्त है हमारे लिए, गुजर ही जाएगा। मुझे जुबैर और जफर भाई के रवैयों से नहीं लगता कि ये लोग आपस में बैठ पाएंगे। समीना, वो दोनों जो कुछ भी कर रहे हैं उन्हें करने दो, लेकिन हमें इन बच्चियों के लिए, इनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए कोशिश तो करनी होगी ना। लेकिन समिया, हमारी मान कब रहे हैं ये लोग? कभी तो वक्त आएगा ना, उनको भी समझ में आ जाएगा। अच्छा वो समीना, मैंने असारा की जिद पर आमना को फोन किया था। क्या फायदा फोन मिलाने का, वो तो अपना फोन बंद करके बैठ गई है और फूल सी बच्ची को दर बदर कर दिया। सच पूछो तो हाथिया की तरफ से मुझे धड़का ही लगा रहता है कि अल्लाह ना करे कब कोई बुरी खबर आ जाए। ऐसी बात ना करो समीना, उम्मीद रखो अच्छी खबर ही मिलेगी इंशाल्लाह। बस समिया, यकीन जानो मैं तो हर वक्त खैर की दुआएं करती रहती हूँ। हाँ समीना, मैं तुम्हें ये बता रही थी कि आमना का नंबर ऑन था। क्या उसका नंबर ऑन था? मैंने कितनी बार ट्राई किया लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रही। ये तो तुमने नई बात बताई मुझे, मैं करती हूँ उसे कॉल। किस मुंह से उठाएगी जो इतना बड़ा जुल्म करके बैठी है। अरे उसकी हिम्मत भी नहीं है तुम्हारा फोन उठाने की। समिया, अगर उससे बात हो जाए ना तो हादिया के सिलसिले में कुछ ना कुछ तो मदद हो जाएगी ना। वो तो ठीक है लेकिन समीना। नहीं समिया, उससे बात होना बहुत जरूरी है। तुम ऐसा करो कि कॉल मिलाती रहो मिलाती रहो, कभी ना कभी तो वो फोन उठाएगी ना। अच्छा समीना, सारा उस वीडियो का जिक्र कर रही थी जो सबा के मोबाइल पर थी, जिसमें हादिया के आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, उसके हाथ रस्सी से बंधे हुए थे। सारा ने भी देख ली वो वीडियो। हाँ ये वही वीडियो है जो उन जालिमों ने बनाकर भेजी थी। खुदा उन लोगों को गारत करे। अच्छा समिया, तुम आमना को जरूर ट्राई करती रहना ताकि कोई सुराख तो मिले। मैं फोन रखती हूँ, अल्लाह हाफिज। लोग तो अच्छे लग रहे हैं रानी, सिवा उस ठड़की के जो देखते ही राल टपकाना शुरू कर देता है। लेकिन वो छोड़ी इतनी उदास क्यों लग रही थी? अरे हो गए इस उम्र में इश्क विश्क का कोई चक्कर। अरे वाह,
क्या बर्तन चमका है भाई, वाह 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 वाह। साहब जी, बर्तन अच्छे से चमकाऊंगी तो आप लोग साफ सुथरे बर्तन में खाना खा पाएंगे ना। मान गया ईमान से, वो तुम काम वाली, लेकिन तुम्हारी बातों में बड़ी ज़हानत झलकती है। इसके लिए मैं तुम्हें 100 नंबर दे दूं। साहब जी, नंबर का मैं क्या करूंगी, जरूरत तो मुझे पैसों की है, मुझे भी तो अपना घर चलाना है ना। उसकी तुम फिक्र ना करो, वो तुम्हें वक्त पे मिल जाया करेंगे। लेकिन एक छोटी सी गलती हो गई है मुझसे। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, हुआ ये है कि मेरी बीवी है ना समीना, उसने जब पूछा कि तुम कितने पैसे लोगी तो मैंने उसको कह दिया 10,000 रुपए, और वो भी उसे ज्यादा लग रहे थे। अरे नाना साहब जी, मेरी आपकी 20,000 की बात हुई है। अरे मुझे पता है भाई, 20,000 की बात हुई थी, मैं अपने वादे पर कायम हूँ, तुम्हें 20,000 ही रुपए दूंगा, लेकिन समीना को मत बताना। साहब जी, अच्छे शौहर ना अपनी बीवी से कुछ नहीं छुपाते। अच्छा तो फिर ठीक है, कल से खुद को काम से फारिग समझो। अच्छा, दिल से कह रहे हैं ये बात आप? नहीं, आराम से ऐसे मत हंसो, हंसी की आवाज उस तक नहीं जानी चाहिए, तुम्हारी हंसी की आवाज सिर्फ मुझे आनी चाहिए, समझ रहे हो ना। ठीक है साहब जी, अब मैं अपना काम कर लूं? हाँ, करो। अच्छी तरह चमकाना। जी साहब जी। हेलो, आमना, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम्हें आवाज आ रही है। मुझे ये बताओ कि तुमने और शुजात भाई ने अपना फोन क्यों बंद कर रखा है? तुम्हें अंदाजा भी है कि हमें आदिया की कितनी फिक्र है? एक मिनट, देखो मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, हमें सब पता चल चुका है कि आदिया तुम्हारे पास नहीं है। कितनी जल्लाद औरत हो तुम, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई उस मासूम सी बच्ची पर इतना जुल्म करते हुए? कौन है वो जिसको तुमने हादिया को दिया है? बताओ, तुम्हारा कलेजा नहीं फटा उस मासूम सी बच्ची को किसी के हवाले कर दिया तुमने? हादिया के लिए सभा के पास फोन आ रहे हैं, उससे पैसे मांगे जा रहे हैं। आमना, हादिया की जान को खतरा है और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे तुम्हारी वजह से हम सब यहाँ पर तकलीफ में हैं। तुम्हें पता है सभा कितनी तकलीफ में है? आमना, हेलो, वो बेटा, वो मैं। खाला, आपने मुझसे झूठ बोला, आपने मुझे नहीं बताया कि हादिया चाची के पास नहीं है। खाला, हादिया कहाँ पे है, किसके पास है? मैं वो बेटा, मैं तुमसे नहीं। खाला, जो बात है अब मुझे बताएं, मजीद झूठ मत बोले मुझसे। हादिया किसके पास है, वो वीडियो किसने बनाई है, और वो वीडियो उन्होंने भेजी है ना जिनके पास हादिया है? सारा बेटा, मैं तुम्हें कैसे बताती कि तुम्हारी हादिया आमना के पास नहीं है? वैसे ही तुम इतनी मुश्किलों से गुजर कर आई थी, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था जब मुझे पता चला, और मैं ये बात तुम्हें नहीं बता सकती थी बेटा। खाला, हमारी हादिया कैसे मिलेगी, कौन लाएगा उसको? प्लीज खाला, मुझे बताएं हम हादिया को कैसे लाएंगे? सब आप ही ने भी मुझसे झूठ बोला, खाला मुझसे नहीं रहा जा रहे अब।
नहीं बेटा, तुम फिक्र मत करो, हादिया हमें जरूर मिलेगी, ये मेरा तुमसे वादा है। हाँ खाला, हादिया हमसे बिछड़ चुकी है। नहीं बेटा, मैंने कहा ना मैं लाऊंगी हादिया को वापस। हाँ चुप हो जाओ, आ जाओ मेरा बच्चा। बीबी जी, तुम यहां क्या कर रही हो? माफ कर दीजिएगा बीबी जी, वो तो मैं सिर्फ आपको आपको ये बोलने आई थी कि खाना तैयार होने वाला है, तो आप बता दें मुझे कि आपका खाना यहाँ कमरे में ला दूं या जैसा आप बोलो मुझे। देखो, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे भूख लगेगी ना मैं खुद लेके खा सकती हूँ। अभी मुझे भूख नहीं है, और एक बात का ख्याल रखो, तुम इस तरह बार बार मेरे कमरे में नहीं आ सकती हो, आइंदा एहतियात बरतना। जैसा आप बोले बीबी जी, आप बस दिल पे मत लें। ठीक है, अब तुम जाओ और प्लीज जाते वक्त दरवाजा बंद करती हुई जाना। बीबी जी बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं, ठीक है? नहीं पूछती, भूख लगे तो आवाज दे देना, मैं खाना ला दूंगी। समीना बेगम, अरे भाई समीना समीना, तुम यहाँ खड़ी हो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। अब सुनूंगा तुम क्या खुशबू, तुम तो बीमार हो ना, तुम्हें कहाँ खुशबू आएगी, लेकिन ऐसी बेहतरीन खुशबू आ रही है भाई, वाह क्या खाना, और लजीज खाना बना रही है ये रानी। क्या भाई मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है, देखा ना मेरा फैसला सही था ना नौकरानी रखने का। क्या हर वक्त नौकरानी नौकरानी करते रहते हैं आप? क्या हो गया, क्या फिर उस बदमाश का फोन आ गया? मिलाओ जरा, मैं उसका दिमाग दुरुस्त कर दूं। पता भी है कि तुम बीमार हो, उसके बावजूद फोन पे फोन फोन पे फोन, ये बदरू हैं, खबीस कहीं के। आया था फोन समिया का, देखा? समिया को आमना का फोन आया था, इसलिए उसने फोन किया था। क्या उस जालिम औरत ने फोन भी समिया को किया? लगाओ ना जरा उसे फोन, मैं उसका दिमाग दुरुस्त करूं, पूछूं उससे कि जो उसने हमारे घर में तूफान बरपा कर रखा है, हमारे पूरे घर का निजाम धर्म बरम करके रखा हुआ है। आहिस्ता बोलो, घर में काम करने वाली भी है। हाँ मुझे ख्याल नहीं रहा, चलो मैं शुजात को फोन करके पूछता हूँ कि क्या मसला है। कहीं फोन करने की जरूरत नहीं है, उसने जवाब दिए बगैर फोन बंद कर दिया। किसने? शुजात? आमना ने भाई। समिया को तो बात करनी आई नहीं होगी, बावली एक नंबर की, उसे तो पता ही नहीं है क्या बात करनी। आमना जैसी होशियार औरत है ना, उससे उसी तरह से निमटना पड़ेगा, उसी तरह से बात करनी पड़ेगी। तुम कोई बात मत करना उससे, मैं खुद करूंगी। चलो भाई जैसी तुम्हारी मर्जी, बहरहाल भाई मैं तो चूहे दौड़ रहा हूं, जरा खाने का बोल दो। पता नहीं इतनी परेशानी में तुम्हें भूख कैसे लग जाती है। भूख तो भूख है, उसमें थोड़ी पूछ कर आती है परेशानी है या नहीं परेशानी है, लग जाती है।
रानी, रानी खाना तैयार है? अब लगता है मुझे जफर से हादिया के बारे में बात कर लेनी चाहिए। अगर वो सारा को वापस ला सकता है तो शायद हादिया को भी वापस ले आए, क्योंकि जफर के तो बहुत ताल्लुकात हैं इस शहर में। लेकिन उसके लालच का क्या करूं, कैसे मनाऊं उसे? साहब जी, मैंने अपना सारा काम कर लिया है और बेगम साहिबा को दवा भी दे दी है, वो दवा खा के सो गई हैं, आराम कर रही हैं। वाह वाह, और क्या जबरदस्त खाना तुमने बनाया आज भाई। वाह वाह, मैं तो उंगलियां ही चाटता रह गया। यानी तुमने समीना के हाथों का जहर उसको भी मात दे दी। अरे साहब जी, आपको पता है मेरा जो मर्द मर गया ना, उसका अपना होटल था, वहां पर घर से खाना पक के जाता था। पहले तो कोई बंदा रखा था खाना बनाने के लिए, लेकिन फिर बाद में मैंने सीख लिया। ये पतीले भर भर के खाने बनाती थी मैं, ये तो छोटी सी पतीली थी उसके आगे। तुम्हारे शौहर का होटल था बाकायदा? हाँ साहब जी, काम तो और भी बहुत से थे, पर होटल में बैठ के सारे धंधे किया करता था। अरे वाह भाई वाह, फिर तो हमारे तो मजे आ गए, और क्या चाहिए भाई। वाह, मैं आज बहुत खुश हूँ तुम्हारे काम से। साहब जी, अगर आप खुश हैं तो फिर एक मेहरबानी कर दें। रात बहुत हो गई है ना, घर में बच्ची अकेली है, डर रही होगी, मैं जाऊं? हाँ जाओ 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 जाओ, बिल्कुल जाओ, पर टाइम से आ जाना। हाँ जी साहब जी। साहब जी, वो एक बात कहनी थी। हाँ बोलो 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 बोलो। अगर थोड़ा सा एडवांस मिल जाता तो घर में कुछ ले जाती बच्ची के लिए। एडवांस? हाँ 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 भाई बिल्कुल, मैं तो तुम्हारे काम से बहुत खुश हुआ हूँ। हाँ ये शुक्रिया साहब जी, बहुत शुक्रिया। खुश हो, इतने काफी है ना? हाँ जी जी साहब जी, बहुत बहुत है, शुक्रिया। हाँ हाँ बिल्कुल, बस तुम्हें हमारी खुराक का ख्याल रखना। जी जी साहब जी, मैं अच्छे से आपका ख्याल रखूंगी, चाहती। हाँ हाँ जाओ, कल टाइम पर आ जाना। हाँ हाँ अल्लाह हाफिज। पांच हजार गए, 5,000 एडवांस में लिख लूं। अब देखो, कोई दिल जलाने वाली बात मत करना। जफर, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, लेकिन पहले वादा करो कि जो मैं कहूंगी वो मानोगे। मतलब मुझसे सारे वादे लिए जाओ और अपना कोई वादा पूरा मत करो। हाँ जफर, तुम्हारा जो भी लालच है, लेकिन हमारा उन बच्चियों से एक खूनी रिश्ता है। हाँ है, बिल्कुल है, और हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं, ये सारी लड़ाई उन्हीं के लिए है, और ये सारा के लिए कर रहे हैं हम। अरे भाई, जब वो बड़ी हो जाएगी तो ये सब कुछ उसे ही मिलेगा, हम तो मर खप जाएंगे भाई। काश तुम इस बात पर अमल भी कर लो। देखो अब फिर तुम बदगुमानी से काम ले रही हो। अच्छा सुनो जफर, मैंने एक और बात तुमसे छुपाई। वो कौन सी?
वो आज मेरी आमना से बात हुई थी। ओह, वो भी अपना हिस्सा मांग रही होंगी। इतने दिनों से तो फोन बंद था उनका। असल में बात ये है कि हादिया उनके पास नहीं है। क्या? हादिया उनके पास नहीं है? देखो जफर, ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। पता नहीं उन्होंने हादिया को किसी के हवाले कर दिया या फिर वो अगवा हो गई। अगवा हो गई? हाँ, और वो लोग हादिया के बदले धमकी देके पैसे मांग रहे हैं। किससे? सभा से। सभा से? अरे तुम क्या पहेलियां बुझवा रही हो जफर, यही सच है। ये तुमने क्या बम फोड़ दिया है? ये बड़ी बात तुमने मुझे अभी तक बताई क्यों नहीं? मुझे सभा ने मना किया था बताने से, क्योंकि हादिया की जान को खतरा है। हादिया की जान को खतरा? तो फिर अब क्यों बता रही हो मुझे? तुम इस सिलसिले में हमारी मदद कर सकते हो। ओह, मतलब हादिया के सिलसिले में? तो ये एक नई कहानी लेके आई हो तुम। देखो जफर, अगर तुम कुछ कर सकते हो तो खुदा के लिए हादिया का पता लगाओ, वो कहां पर है। सोचता हूं। कैसी तबीयत है पप्पू? बेहतर हूँ, पहले से बहुत बेहतर हूँ। ये घर में नौकरानी रखने की क्या जरूरत थी पप्पू? मैं सारे काम कर लेती, वैसे भी मैं घर में ही होती हूँ। मैंने तो बहुत मना किया था, लेकिन तुम्हारे पप्पा की जिद है। अच्छा है, एक हफ्ते काम करने दो, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो फिर देखेंगे। जैसे आपकी मर्जी। सबा बेटा, तुम्हें एक बात बतानी थी। वो समिया की आमना से बात हुई है। क्या चाची ने फोन किया था? उनका तो नंबर बन जा रहा था। मुझे समिया ने फोन करके बताया कि पहले तो आमना फोन नहीं उठा रही थी, लेकिन फिर फोन उठा लिया उसने और बात की है। क्या बात हुई? मैं उनसे बात करती हूँ, उनको एहसास भी है कि कितना बड़ा जुल्म किया है उन्होंने इन पर। अब फोन ऑन कर लिया है उसने, सारी बातें हो जाएंगी, तुम जरा सबर करो बेटा। मैं खुद बात करूंगी उनसे। नहीं बेटा, तुम बात नहीं करोगी। पप्पू, मेरा उनसे बात करना जरूरी है, आप टेंशन ना लें। और आपको एक बात और भी बतानी थी, पता नहीं बतानी चाहिए या नहीं। बताओ बेटा, क्या बात है? तुम मुझसे छुपाओगी, अपने फुप्पो से छुपाओगी? फुप्पो, मेरे माजी का तजुर्बा बहुत तल्ख रहा है, इसलिए मुझे डर लगता है। बता दो सबा, तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। फुप्पो, वो बात ये है कि उस औरत का फिर से मैसेज आया था। क्या? कब? कल। लेकिन फिर से फोन बंद है उसका, लेकिन मुझे पता है वो दोबारा रابطہ करेगी। और मैं आपको सिर्फ ये बताने आई हूँ कि अब मुझे पैसे चाहिए। मैं जहूर अंकल से पैसों की बात करूंगी, क्योंकि पप्पू मुझे हर हाल में हादिया चाहिए। हवा ना त्रुप का पत्ता हाथ में बड़ा उछल रहा था कि मुझे एक कौड़ी नहीं देखा।
हादिया को अब मैं रिकवर करवाऊंगा, उसके हिस्से की जायदाद भी मुझे मिलेगी। अब दो बहनें मेरे पास होंगी तो देखता हूं कि कैसे बदमाशी करता है मुझसे। हाँ भाई गुलजारे, मुझे तुझसे एक काम है, तैयार रहना। तफसील मैं बाद में बताऊंगा। हाँ मैं आऊंगा भाई, तेरे अड्डे पे आऊंगा यार, वो महफिल भी तो जमानी है। हाँ नहीं नहीं वो जो मैंने बोला है ना, उसके लिए तैयार रहना। एक दिन की दिहाड़ी तो मिल गई, इब रोज इससे पैसे लूंगी मैं। इसे मारा खाना बनाना पसंद आया है ना, तो खाना खिला खिला के पिसे खड़े करूंगी। इब मारा ये राजा मारे लिए सोने की चुड़िया उड़ेगा। जफर, अगर बुरा ना माने तो मेरी एक बात मानोगे? मैं क्यों नहीं मानेंगे, और आपकी बात नहीं मानेंगे हम। आप बताइए, हम बुरा बिल्कुल नहीं मानेंगे। देखो जफर, इसमें हम सबकी भलाई है। जब तक हादिया का मसला हल नहीं हो जाता, तो मकान का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। तुम्हारा तो हर तरह के लोगों में उठना बैठना है, कुछ भी करो, कहीं से भी हादिया का सुराग लगाओ। बच्चियां अगर हमारे पास होगी तो तुम्हारे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन अगर हादिया अगवा हुई है ना, तो ये इतना आसान भी नहीं है। तुम्हारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखो फिर मेरी समीना से भी बात हुई है, उनको भी कहीं ना कहीं अंदाजा है कि जो कुछ तुम करोगे उसमें तुम्हारा ही फायदा है। देखो अगर तुम्हारी समीना से बात हुई है इस बारे में तो ठीक है। जफर, पहले तो हमें बच्चियों का सोचना है ना। अरे इन बच्चियों का सोच सोच के बात यहाँ तक पहुंची है, हमारी तो दुनिया दांव पे लगी हुई है, और सारा को यहाँ लाके घर में रखना कोई आसान बात नहीं है। ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है समिया के, ये पूरी जिंदगी हमें निभानी होगी। अगर हम कुछ ना बोले और कुछ ना किया ना, तो हम मुंह देखते रह जाएंगे, हाथ मलते रह जाएंगे। समिया कोई किसी का नहीं है, जो कुछ करना है ना वो हम दोनों ने मिलके करना है। जफर, मैं तो तुम्हारा साथ दे रही हूँ ना। ये समिया तुम मेरा खुल के साथ दो, जैसे समीना जुबैर का साथ देती है। इसलिए अब हादिया के मसले पर भी हमें सोचना है, इसलिए कि वो हमें कितना फायदा पहुंचाएगा। वैसे तुम फिक्र ना करो, मैंने बात आगे चला दी है, बस जितनी भी तुम्हारे पास इत्तलात है वो मुझ तक पहुंचा दो, ताकि मैं अपना काम भरपूर तरीके से अदा कर सकूं। ठीक है? साहब जी, वो किचन का सारा काम कर दिया मैंने, आपका कोई काम है तो बता दें। अब एक पहली अगर चाय बना दो तो बस अच्छा हो जाएगा, सर में शदीद दर्द है।
सारी रात जागता रहा। क्यों साहब जी, तबियत तो ठीक है आपके? वो अब तुमसे क्या छुपाना, सारी रात तुम्हारे लिए सोचता रहा हूँ, कुड़ता रहा हूँ। एक छोटी बच्ची को किस तरह तुम पाल रही हो, एक खूबसूरत माँ किस तरह से माशरे में निकलती है, लोग ऐसी खवातीन को, ऐसी ऐसी लड़कियों को भेड़ियों की तरह कच्चा खा जाते। पता नहीं तुम कैसे बच्ची को, बच्ची के साथ अपने आप को बचा रही हो, किस तरह से चल रही हो। बड़ा जिगर हौसला है भाई तुम्हारा, बहुत। अब क्या कहूं साहब जी, शौहर के मरने के बाद घर से अकेले निकलते हुए मुझे बड़ा डर लगता था, पर क्या करूं, घर से निकलना मजबूरी थी। लोग ना जानवरों की तरह देखते रहते, उनकी नजरें मुझे बहुत चुभती थी, मैं तो अपनी नजरें भी नहीं उठा पाती थी। लेकिन क्या करूं, उनकी चुभती नजरों को झेलना तो पड़ता ना। यकीन करो, जैसे जैसे मैं महसूस कर रहा हूँ ना, ये देखो मेरे कैसे रोंगटे खड़े हो रहे। सोच रहा हूँ कि एक तन तनहा औरत, खूबसूरत औरत, कैसी कैसी सफाक नजरें झेलती होगी। अब साहब जी, मैं सच में खूबसूरत हूँ या सिर्फ आपको खूबसूरत लग रही? खूबसूरत तो तुम हो,